मेरा नाम है रंजना देवी और मांझी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम है गायत्री महिला स्वयं सहायता समूह। मैं एक कृषक मित्र हूँ सीनियर। अभी मेरा खेती में है करेला और अदरक और मिर्च है और केला का खेती है। हाइब्रिड धान लगाते हैं, उसमें ज़्यादा उपज होता है हाइब्रिड किस्म का। और सब्जी में मिश्रित खेती लगाते हैं कि एक खेत में चार फसल निकलता है। मिश्रित खेती में है कि हम लोग एक खेत में पहले सबसे पहले अदरक लगाएंगे, उसके बाद एक मीटर का दूरी में, देखिए हम लोग एक मीटर का दूरी में हम लोग लगाए हुए हैं करेला। ये मचान खेती में लगाए हुए हैं, इसमें रस्सी बांधे हुए हैं और एक घंटा में इतना लतर नहीं संभल पाता, इसलिए हम लोग रस्सी लगाए हुए हैं। एक अभी तो टूटा हुआ है, नहीं तो हम लोग एक पौधा से हम लोग 17-18 करेला रोपते हैं। खेत तैयारी हम लोग पावर डीलर से जुताई करते हैं 3 से 4 बार। उसके बाद हम लोग गोबर खाद डालते हैं। गोबर खाद डालने के बाद पट्टा खींचने के बाद हम लोग धनजीवा अमृत डालते हैं। धनजीवा अमृत बनता है 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, दिया मिट्टी 1 kg, गौमूत्र 2 लीटर और सबको मिला के हम लोग गोइठा ठोकते हैं। गोइठा ठोक 7 दिन गोइठा ठोकने के बाद हम लोग चूर करके खेत में डालते हैं। ये DAP का काम करता है। उसके बाद हम लोग का फसल हरापन भी होता है। इससे भी हम लोग बीज का उपचार करते हैं क्योंकि हम लोग सड़न रोकता है और जो कीड़ा लगता है नीचे का कीड़ा, वो कीड़ा से भी बचता है। श्री विधि से, जैसे कि श्री विधि में हम लोग पारंपरिक रोपाई करते थे धान का, तो कम उपज होता था। श्री विधि से हम लोग खेती करते हैं तो 10 इंची का हम लोग रस्सी लेंगे और रस्सी का नापी से 10 इंची का दूरी में हम लोग रोपाई करेंगे। लंबाई और चौड़ाई इस नापी से हम लोग पावर डीलर से हम लोग घास का निकाई भी करते हैं। अभी धनिया पत्ता का बिजनेस कर रहे हैं। अभी धनिया पत्ता महंगा है तो अभी बाहर भेजते हैं। अभी कलकत्ता भेज रहे हैं और पटना भेज रहे हैं, खड़गपुर भेज रहे हैं। अभी यहाँ पूरा प्लॉट खरीद लेते हैं। 10 डिसमिल का प्लॉट है, 5 डिसमिल का प्लॉट है, वे 10,000-15,000 में लेते हैं और बाहर भेजते हैं। ग्राम गकुल मित्र से हम जाके पशुपालन के बारे में बतलाते हैं, कैसे उन्नत नस्ल की बछिया आएगी, कैसा सीमेन देना चाहिए, कैसा नस्ल का सीमेन देना चाहिए, बछिया नापी या टेकिंग करते हैं और उसमें हमको 2,500 रुपया मिलता है हर मंथ का। और इसमें आजीविका कृषक मित्र है, उसमें हम लोग का किसानों 100 किसान को प्रशिक्षण दे के अभी 30 किसान ये जैविक खेती से लगाया हुआ, जैविक खाद से 2 लाख रुपया JSLPS के माध्यम से मिला है। और हम लोग 10% हम लोग डाले हैं समूह का पैसे बचा। 30,000 रुपया सालाना हम लोग का लागत लगता है और 2 लाख रुपया मुनाफा होता है खेती से।